अरे घूरना बंद करो, पहले सब्सक्राइब करो। हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल योर पर्सनल कंसल्टेंट में। सीबीएसई से जो बिग अपडेट आ रही है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से क्लास 1 से लेकर क्लास 9 तक के स्टूडेंट के लिए कि सीबीएसई स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक में अगर छात्र 3 विषयों में फेल हुए तो प्रमोट नहीं हो पाएंगे। कहने का मतलब है अगर कोई कैंडिडेट क्लास 1 से लेकर क्लास 8 के स्टूडेंट हैं, अगर आप 3 सब्जेक्ट में फेल हुए तो प्रमोशन आपको नहीं मिलेगी, प्रमोट नहीं किया जाएगा, अगले क्लास में नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, जो न्यूज पब्लिश हुई है वो देखते हैं। ये न्यूज लाइव हिंदुस्तान.com में पब्लिश हुई है। न्यूज बताने से पहले एक चीज और मैं बता दूं कि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, अगर कोई मैं सीबीएसई से रिलेटेड कोई न्यूज प्रोवाइड करता हूं अपने चैनल पे वीडियो बना के, तो कहते हैं कमेंट फेक है, झूठी अफवाह फैला रहे हैं, स्टूडेंट्स को डरा रहे हैं ऐसी अफवाह फैला के, और भी ऊटपटांग भाषा का उपयोग करते हैं। तो मैं कौन होता हूं ऐसी अफवाह फैलाने वाला। ये न्यूज जहां से पब्लिश होती है, जिस पेपर में पब्लिश होती है, उसका भी रेफरेंस मैं प्रोवाइड करता हूं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसका भी लिंक भी देता हूं ताकि आप वहां से भी कंफर्म कर सकते हैं। अगर आपको लगता है ये अफवाह है, तो जो चैनल जो पेपर न्यूज पेपर ऐसी न्यूज को पब्लिश कर रहा है उनको गालियां पड़ना चाहिए कि ऐसी न्यूज क्यों पब्लिश कर रहे हैं आप। तो फिलहाल आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, कि ऐसी भाषाओं का प्रयोग मत करें, कि अफवाह है और भी गलत भाषाओं का प्रयोग ना करें, आपसे रिक्वेस्ट है। सीबीएसई 3 विषयों में फेल छात्र नहीं जा पाएंगे अगली कक्षा में। जो न्यूज है वो देखते हैं। सीबीएसई स्कूल में कक्षा 1 से 8वीं तक में अगर छात्र 3 विषयों में फेल हुए तो प्रमोट नहीं हो पाएंगे। मानव संस्थान विकास मंत्रालय ने कक्षा 1 से 8वीं तक के लिए ये निर्देश जारी किए हैं। वहीं 9वीं की वार्षिक परीक्षा में 2 विषयों में फेल हुए तो अगली कक्षा में नहीं जा पाएंगे। मतलब है कि 1 से 8वीं तक का स्टूडेंट अगर 3 सब्जेक्ट में फेल हुआ तो प्रमोट नहीं हो पाएंगे, और क्लास 9 का स्टूडेंट 2 सब्जेक्ट में फेल हुआ तो वो प्रमोट नहीं हो पाएंगे और अगली क्लास में नहीं जा पाएंगे। इसके लिए सीबीएसई ने सभी स्कूलों के लिए गाइडलाइन जारी किया है। 2018 से इसी नियम को लागू कर दिया गया है, इसकी सूचना सभी स्कूलों को दे दी गई है। नए नियम का असर स्कूलों के रिजल्ट पर भी हुआ है। अभी तक कई स्कूलों में रिजल्ट निकल चुका है, तो कई में रिजल्ट इस हफ्ते घोषित किया जाएगा। इस हर क्लास में 15-20% छात्रों का रिजल्ट खराब हो रहा है। पटना के सेंट माइकल हाई स्कूल की माने तो हर साल 100% रिजल्ट होता था, लेकिन इस बार हर क्लास में 5-10% बच्चे फेल हो गए हैं। यही हाल नोटरडेम एकेडमी, लॉयल हाई स्कूल जैसे अच्छे स्कूलों का भी है। आगे देखते हैं। अब तक ग्रेड मिलता था, अभी तक सीबीएसई स्कूलों के रिजल्ट में ग्रेड पर अधिक जोर दिया जाता था। इस कारण ग्रेड कम आने के बाद भी उन्हें अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाता था। इस बार से ग्रेड के साथ अंक भी दिए जाने लगे, मतलब ग्रेड के साथ आपको मार्क्स भी प्रोवाइड करने जाने लगे। अभिभावकों को दी जा रही है सूचना, कई स्कूलों में पहले से ही इसकी जानकारी अभिभावकों को दी जा रही है। चूंकि अभिभावक रिजल्ट खराब होने के बाद प्रमोट के लिए स्कूल का चक्कर लगाना शुरू करते हैं, इस बार सीबीएसई के नियम की जानकारी स्कूलों ने अभिभावकों को पहले ही दे दी है। तो आप न्यूज देख लिया है आपने, एक तरह से अच्छी न्यूज नहीं है मेरे हिसाब से। सीबीएसई ऐसे गाइडलाइन कहां से बना लेता है जो स्टूडेंट को सफर करना पड़ता है, स्टूडेंट के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है ऐसा रूल्स जो ये इन्होंने रूल बनाया कि क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के स्टूडेंट अगर 3 सब्जेक्ट में फेल हुए तो प्रमोट नहीं किए जाएंगे, अगर आप क्लास 9 के स्टूडेंट हैं 2 सब्जेक्ट में फेल हैं तो प्रमोट नहीं किए जाएंगे। ग्रेडिंग सिस्टम के साथ मार्क्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है। इसकी लिंक मैं दोस्तों फिर से बता रहा हूँ, इसकी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से भी ये न्यूज देख सकते हैं। बाकी आपके मन में कोई थॉट्स है इसके लेके, ऐसे रूल्स और रेगुलेशन लेके कि सीबीएसई कहां से ऐसी गाइडलाइन जो स्टूडेंट को सफर करना पड़ रहा है, तो कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये तो मालूम है वीडियो आपको पसंद नहीं आई होगी, क्योंकि ऐसे रूल्स और रेगुलेशन देख के आपका मूड तो वैसे ही अपसेट हो गया होगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।